हमारे साथ सीपीआई के लोग, सीपीएम, माले और आरजेडी के सभी साथी हम लोग बैठे हुए, और ये बैठक हम लोग निर्णय लेके हर महीने एक बार हम लोग लगातार बैठेंगे बिहार के जनहित के मुद्दे को लेकर के, और बिहार की जनता की आवाज़ को और मजबूती हम विपक्ष के लोग कैसे दें, कैसे योजना बनाए, इसको लेकर के महीने में एक बार हमारी बैठक भी होगी, ताकि हमारे कोऑर्डिनेशन में बेहतर हो, संवाद हो। और दूसरी एक बड़ा महत्वपूर्ण जो मुद्दा जो पूरे बिहार के लोगों का दर्द जो जुड़ा हुआ है, चाहे बेरोजगारी का हो, चाहे भ्रष्टाचार का हो, चाहे अफसरशाही का हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा का हो, इन सारे बिंदुओं को लेकर के हम सब लोगों ने देखा कि जो बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व की जो सरकार है, इन्होंने केवल और केवल बिहार के लोगों को ठगने का काम किया है। अब बिहार को निचले स्तर पर, पूरे देश के सबसे अगर निचले स्तर पर अगर कोई राज है तो बिहार है, क्योंकि इतने सालों से, 17 सालों से एनडीए की सरकार है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, हर सूचकांक में, नीति आयोग की रिपोर्ट में फीसदी है बिहार, लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है, आपका सीएजी की रिपोर्ट में 2,00,000 करोड़ का हिसाब किताब नहीं है, सस्ती घोटाले से भी ज्यादा घोटाले हो चुके हैं, लेकिन किसी भी कार्रवाई नहीं, दिन रात हत्या हो रही है, महाजंगल राज क्या राक्षस राज आ गया है बिहार में। आप सभी लोग पीड़ित हैं, हर 4 घंटे पर हत्या, हर 5 घंटे पर बिहार में बलात्कार हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर जो है पूरी तरीके से नीतीश कुमार जी के हाथ में नहीं रह गया, बल्कि अब अपराधियों के हाथ में रह गया। तो सरकार जो एनडीए की बनी, जो इन्होंने कमिटमेंट किया, अब हमको लगता है मई के महीने में जो है लगभग 1.5 साल इस सरकार की हो जाएगी, और हम सभी साथी, हमारे घटक दल, लेफ्ट के तीनों पार्टियां, और हम लोगों ने निर्णय लिया है कि आखिर इस सरकार ने 1.5 साल बिहार और बिहारियों को क्या दिया। तो एक रिपोर्ट कार्ड जो है, हम लोग संपूर्ण क्रांति, हमको लगता है कि 5 दिवस संपूर्ण क्रांति दिवस जो है वो 5 जून को होता है, उस दिन हम लोग एक व्यापक संयुक्त रूप से महागठबंधन के सभी साथी मिलकर के सरकार का काम काज को लेकर के एक सामूहिक हम लोग रिपोर्ट कार्ड जो है वो लोगों के सामने पेश करें। ठीक 2 दिन पहले जो है बिंदुवार जो है रिपोर्ट कार्ड भी हम लोग जारी करेंगे, जिसका 5 तारीख को विश्लेषण और अपनी बात जो है बापू सभागार, अभी हम लोग बुकिंग के लिए हम लोग जाएंगे बापू सभागार को, हम लोग बुक करेंगे और वहां हम सब लोग अपनी बात को बिहार की जनता के सामने रखने का काम करेंगे। ये बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि सरकार पर अगर दबाव ना हो, अगर सरकार को अगर हम लोग आईना नहीं दिखाएंगे, और हम लोग बखूबी कोई बनावटी और मिलावटी बात नहीं करेंगे, जो फैक्ट है, जो आंकड़े हैं, डेटा जो है, ग्राउंड रियलिटी जो है, उसको हम लोग जो है सामूहिक रूप से हम लोग उस रिपोर्ट कार्ड में हम लोग रखने का काम करेंगे कि क्या क्या वादा किया था इन लोगों ने। हम लोग तो पूछेंगे बेरोजगारी का क्या हुआ, 19 लाख आपने वादा किया तो 19 लाख रोजगार का है,
हम लोग तो पूछेंगे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कौन देगा, कौन देगा, कब तक मिलेगा, और अगर अब तक नहीं मिला तो उसका दोषी कौन है। जातीय जनगणना का क्या हुआ, अब तक जो है ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई नहीं गई, ये तो हास्यास्पद है और सरल माथा हम लोग का झुक जाता है कि दो बार बिहार विधानसभा से पारित होने के बाद सर्वसम्मति से जिस निर्णय को हम लोगों ने प्रस्ताव को भारत सरकार में भेजा, पूर्ण विचार के लिए हम लोग प्रधानमंत्री के पास गए, हमने कहा था ये देश हित का मामला है, उसी बात को मुख्यमंत्री ने भी दोहराया था कि हाँ ये देश हित का मामला है, नेशनल इंटरेस्ट का मामला है। तो अब क्या हुआ, तो जितनी बातें चाहे शिक्षा हो, चिकित्सा हो, रोजी हो, पलायन हो, गरीबी हो, अफसरशाही हो, अपराध हो, हर मुद्दे पर चाहे सरकारी कर्मचारियों की बात हो या जो हमारे स्वयं सहायक समूह हैं जो उनकी परेशानियां हैं, इस महंगाई की बात हो, इन सारी चीजों पर हम लोग जो है सरकार को आईना दिखाने का काम करेंगे, इसलिए हम लोगों की बैठक जो है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।